शर्मा शो। पाजी आज हमारी सोसाइटी में एक ऐसे मेहमान आने वाले हैं, ये बड़े ही अच्छे म्यूजिक कंपोजर हैं, ये एक्टर भी हैं, ये प्रोड्यूसर भी हैं, ये डायरेक्टर भी हैं। क्या क्या हैं? और ये हमारी इंडस्ट्री के सबसे फिट और हैंडसम हैं। वाह, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच वेरी टैलेंटेड हिमेश रेशमिया सर। इतनी एनर्जी। कपिल शर्मा शो। माइक ठीक है चल रहा है सर? आपके भी ये लेपल भी है? बहुत ज्यादा बजट है, दो दो माइक। ये फिटनेस का राज इनसे सीखा है, ये देखे कितने पतले हो गए हैं और फिट हो गए हैं, अब एब्स भी निकले आएंगे। अच्छा सर, सबसे पहले आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर। नई एनर्जी लेके आए आप। और पाजी मुझे तो लगता है स्टेज ही फाड़ देंगे आज। पाजी देख लो, हिमेश सर ने इतने हिट सॉन्ग, सुपर डुपर हिट, और वो भी बैक टू बैक, ढेर सारा पैसा कमाया, भगवान आपको और दे। इतनी लंबी गाड़ी में आए हैं, किस चीज की फिक्र है, क्यों सूखते जा रहे हैं आप? देखिए, नाक से गाने में आदमी दुबला हो जाता है, ये राज की बात मैं आज आपके शो पे बता रहा हूं। आप लोग नाक से मत गाइएगा, क्योंकि नाक से गाने में 10 times एनर्जी लगती है सर। पर सर हमें तो नहीं लगता आप नाक से गाते हैं। मुंह आप, मैंने माइक देखा, आपने इधर रखा हुआ था, इधर तो रखा ही नहीं था। अभी जो लोग कहते हैं वो बेवकूफ हैं। नहीं नहीं, वो लोग प्यार करते हैं, और देखिए नाक की वजह से ही कुछ हो सका है मेरा, तो मैं समझता हूँ नाक से गाना अच्छा है। नाक बची हुई है सर, और क्या चाहिए। हिमेश भाई आपको याद है कितने 100 गाने बना चुके होंगे आप अभी तक? अभी 700 टच करने वाले हैं। क्या बात है, 675 के ऊपर हो गए, 115 फिल्में हो गई। तो आपसे मौसीकी का अभी कितने मिलियन हो गए? 25 मिलियन हिट्स हो चुके हैं, यहाँ सिल्वर जुबली एपिसोड बनाने आए हैं हम लोग। कपिल शर्मा शो के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी उससे 10 times ऊपर जाना, वो सबसे बड़ा टास्क होता है। थैंक यू। और वो आज इन्होंने साबित कर दिया है, क्योंकि मुझे ऑलवेज लग रहा है कि जब एक प्रोजेक्ट आपका बहुत हिट होता है तो उसके बाद जब आता है तो बहुत उस पर नजर रहती है, और वो चीज आपकी कमाल की टीम ने कमाल कर दिया। सर क्या बात है, प्यार हो गया आपसे। बम 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 बम, इतना अच्छा आपने गाना बनाया, बदले में मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए सरकार। सर इस एपिसोड के बाद ये जैकेट आप मुझे दे देंगे तो आपकी मेहरबानी। अभी एपिसोड के बाद, अभी मैंने अभी ये पहनी हुई ना, पहले मैं जिसकी ये उसको वापस करूंगा, फिर मैं ये पहनूंगा। आई लव यू सर, आई लव यू। आइए हिमेश सर। गा आप रहे थे, मैं थक गया। सुपर एनर्जी बाजी, क्या बात है। तो हिमेश भाई आपने मतलब माशाल्लाह, अच्छी बात है। जी जी। एक्टर हैं आप, प्रोड्यूसर हैं, सिंगर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, काफी डिपार्टमेंट आपने संभाले हुए हैं, तो ये टैक्स से बचने के लिए कि किसी को काम नहीं देना चाहते? नहीं, अभी नई नई चीजें करने का शौक है, और लगे रहो मुन्ना भाई अपनी फॉर्मूला है बस। क्या बात है, यही होना चाहिए। अच्छा हिमेश भाई की जो एल्बम है ये आपसे मौसीकी, 25 मिलियन ऑलरेडी हिट हो चुके, एक बार फिर से तालियां बनती हैं। भाई जो मौसीकी होती है, संगीत जैसे कहते हैं आपसे मौसीकी, तो इसमें सब कुछ मौसीकी होती है, मौसा का कुछ नहीं? देखिए मौसीकी एक ऐसा वर्ड है जिसकी म्यूजिक हम लोग एवरीडे जिंदगी में यूज करते हैं, लेकिन ये वर्ड शायद ही बहुत कम लोग जो जानकार हैं वो जानते हैं। तो मुझे लगा उर्दू के, तो मुझे लगा कि मौसीकी पे एक ये एल्बम होना चाहिए, बिकॉज मौसीकी मींस म्यूजिक। लेकिन बनाते वक्त ये नहीं सोचा था कि कपिल शर्मा शो पे आकर ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई मौसा काका क्या होगा। बड़ा आउटस्टैंडिंग, नॉलेज बढ़ाता रहता सर, थोड़ी बहुत ऐसे ही मतलब। अच्छा हमीर भाई एक बात मुझे समझ नहीं आती, सारी मेहनत आप करते हो, सारा कंपोज करते हो, गाते भी हो, उसके बाद नाम आप क्रेडिट दूसरों को देते हो, आपका सुरूर, आपकी मौसीकी, करते तो सर आप हो, आपका क्यों मतलब? यू लाइक अरविंद केजरीवाल? सर आपका जो टाइमिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, आप मुझे मेरी एनर्जी के लिए कहते हैं, ये टाइमिंग सेंस ऑफ ह्यूमर जो आप में आता है, आपसे कहां से आता है? मैं तो पूरी क्रेडिट आपको देता हूं। अब आपने ना तारीफ थोड़ी ज्यादा कर दी, अब मैं शर्मिंदा रहा हूं कि सच्ची में तारीफ कर रहे हैं कि मेरी खिंचाई कर रहे हैं? सर आपकी कोई खिंचाई कर नहीं सकता। थैंक यू सर, क्योंकि आप जेन्युइनली उस टैलेंट, ट्रू टैलेंट, जो आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सर। दो लाइनें और। सुपर, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, एक नया वर्ड, हिस्टोरिक। ओह
एक लाइन और. आप जैसे स्टार्क से जब ऐसी इंस्पिरेशनल बातें सुनने को मिलती ना सर, तो और एनर्जी आती बॉडी में. अब ये जो शो है एक्चुअली सर ये त्योहार जैसा है, लोग इतना प्यार करते हैं और ये त्योहार सालों साल चलता रहेगा. अब आपके प्यार की वजह से शुक्रिया. हिमेश भाई ने बहुत सारे अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोगों को जो है वो अपने म्यूजिक में जो मौका दिया, बहुत सारा टैलेंट हमें दिखा, और इस बार इन्होंने एक इंटरनेशनल टैलेंट को जो है वो मौका दे रहे हैं. तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड यूलिया. Thank you very much. I love you. I mean, I love you too. Okay, it's done. No, abhi to shuruaat hui hai. Aaiye please. Okay. Come sit here. Yulia, aapka bahut bahut swagat hai. I don't want to be too close. Yulia, no, it's dangerous. No. No, it's too dangerous. Take my gaddi also. How sweet, thank you. You're welcome. Thank you. So, how are you? I'm very well, thank you. Yulia? Yulia, aapka naam basically Yulia. You yes. Pronounce Yulia. Yulia. And yes. The spellings are I-U-L-I-A. So, I thank God, you know. I mean, why I? Thank God. Everyone is calling me Lulia. Lolia. But Lolia I like. Because it's coming from a kid that I love, so... अगर इंडियन किसी इंडियन ने आपका नाम यूलिया लोलिया भी बोल दिया तो समझो हो लिया, मतलब काफी है हमारे लिए. हमारे इधर ऐसे नाम जो होते हैं हमारे इधर नहीं मिलते. हमारे मिलेगी रेनू सुमन हो गई. ओके हाँ यूलिया तो हम मर ना जाते अभी तक. तो मतलब वही बात है कि आई जो है आई क्यों मतलब लगता है कि यू आर सेइंग दैट आई यूलिया. आई यूलिया तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि यू आर यूलिया. हम तो नहीं यूलिया. नहीं यू आई टोल्ड यू फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन यू आस्क मी व्हाट्स माय नेम यूलिया. यूलिया यू लिया मैन यूलिया. यूलिया यस आपने कुछ लिया? जूस लिया? I mean, would you like to have something? वैसे मैं अपने किसी गेस्ट से नहीं पूछता, but आपके लिए स्पेशल 20 रुपए का बजट रखा हमने. उसके अंडर कुछ आप मंगवा सकती हैं. ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी. सीताफल जूस. सीताफल महंगा. नहीं सीताफल. नहीं यू हैव. But सीताफल यार सीताफल बड़ी देर बाद सुना मैंने शब्द. What do you call सीताफल in English? Pineapple. No. Custard apple. Custard apple. Yeah. It's my favorite fruit here. सीताफल तो मैंने खाया, कस्टर्ड एप्पल का नहीं मेरे को आइडिया. You don't like it? I like very much. I mean, I like you, so I like सीताफल also. Seriously, सीताफल जूस आना चाहिए दादा. पता क्यों ना आया? बहुत बेइज्जती. फिर काय का हिट शो है, जूस ही नहीं आया तो. जूस सीताफल सीरियसली. इधर आइए. It's okay, I appreciate the effort. It's fine. No, I will... The effort is... I will call juice wala here. Sitaphal juice leke aana, theek hai? Haan. If not, sugar cane juice? Sugar cane juice. Ganna hota na, ganna? Ganna ka juice bhi chalega. If not... Sir, kuch nahi lenge. Sir, achha. If not... Pineapple juice. Pineapple. Nahin? Ek cheez batao, confuse kar rahe ho aap. Ek kaam karo. फ्रूट वाले को बोलो टोकरी लेके आ जाए, जिस जिसका जूस निकालना होगा निकाल देंगे. अच्छा थैंक यू. यू वेलकम. यू टेल मी व्हाट शुड वी टॉक. आई डोंट नो यू आस्क मी आर यू क्यूरियस व्हाट यू आर कंफर्टेबल. आई कैन टॉक ऑन एनीथिंग. आई एम वेरी कंफर्टेबल हियर. लुक एट दिस ऑडियंस, दे आर सो नाइस. या यस दे आर नाइस. दे हैव टू बी नाइस बिकॉज़ एंट्री इज फ्री ना. वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग. But I'm sure they love it here. You like it here? Yeah! You like it? The energy. You don't feel that you are sitting in for a TV show. It's like a rally. We are going to elect. बहुत अच्छा लगा. Yeah, बहुत अच्छा. अरे हिमेश भाई, आप इतनी दूर क्यों बैठे हैं? सरकार, मैं वो वर्ड सुनने के लिए उत्सुक हूँ. You know what's the meaning of उत्सुक? No. I'm very like anxious. I am. To see you. उत्सुक means? Huh? Ooh.
Eager. उत्सुक होता है eager. उत्सुक होता है keen. पूछा मैंने keen. Hello. तो please वो जो keen हो आप वो line बोली थी. मैं बहुत keen हूँ कि ये वो पहला शब्द कपिल शर्मा शो पे जो हिंदी का बोले जो ऑडियंस पहली बार यूलिया से हमेशा हिंदी गाना तो सुन चुकी है और हिंदी में डायलॉग भी सुन ले. लेट द ऑडियंस say that word. Julia, that beautiful... no, you first take juice, please. I'm more worried about your health. Sare apple manga liye. See, this juice, I'm worried about my health too. Honestly. Ek kaam karna, thoda sa mere ko de dena. Can you taste it for me first, to be sure? Check karun. Please. Straw ke saath ke khol ke aise hi. Mere ko straw mein maza nahi aata, thoda aata hai. Quantity bahut kam aati hai. Hamara muh wo pura. It's good. I can see it on your face. It's very good. मैं पी लेता हूँ. Keep it for later then. आप अब आपको नहीं देना. I'm not so thirsty now. It's fine. No, it's very tasty actually. Yeah, yeah. You can have. Yeah, thank you. It's very safe. Thank you. You're always welcome. अच्छा हिमेश भाई एक बात बताइए आपको यूलिया से गाना गवाने का ख्याल कैसे आया. I mean, देखिए आपने इनको गाते सुना था कहीं. तेरी मेरी प्रेम कहानी दो लफ्जों में बयान ना हो पाए ये गाना का जो जर्म है वो यूलिया की वजह से है. क्या बात है. यूलिया ने मुझे वो गाना फोन पर सुनाया था. सलमान भाई ने मुझे कहा रात को फोन करके कि ये ट्यून सुन. अच्छा तो मैंने इनसे बात की और इन्होंने वो लाइन रोमानिया की लैंग्वेज में सुनकर मुझे लगा कि वेरी डिवाइन वॉइस मेन स्ट्रीम बॉलीवुड वॉइस जी जो धमाका मचा सकता है. उस वक्त मैंने ये सोचा था कि एक गाना मैं उनको डेफिनेटली ऑफर करूँगा और मैंने एवरी नाइट एंड डे आपसे मौसीकी एल्बम का गाना उनको भेजा. उनको पसंद आया जी. वो यहाँ पर आई उन्होंने जब डब किया और फ्लैट 2 घंटे में डब किया विदाउट एनी पिच करेक्शन. इस गाने में इनके लिए कोई ऑटो ट्यूनिंग नहीं की गई है. वो आप अभी भी लाइव जब सुने तो आपको लगेगा एंड शी इज सो परफेक्ट इन हर सुर. पर ऐसा खूबसूरत थॉट जो होता है यूलिया yes. ये ऐसे खूबसूरत लोगों के दिलों में से ही आता है. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. He is saying you're beautiful. मैं समझा दूँ? समझा दो आपको. आपको ज़्यादा समझ आ रहा आज मेरे को पता है. देख के उसको दिल हसीन सपनों में खो गया है. अरे उसके सामने तो आईना भी मदहोश हो गया है. अब तक तो बस लोकल कॉल लगते थे यहां से. आज तो महफिल का माहौल इंटरनेशनल रोमिंग हो गया. ही इज द मिस्टर सिद्धू. आई नो हु इज माय नेम. सो ही इज ओनली सर आप ट्रांसलेट कर दीजिए. ओके आई विल एक्सप्लेन यू. ही इज अ मल्टी टैलेंटेड गाय. यस एंड ही नोज एवरीथिंग. इफ यू टॉक टू हिम about Indian politics, American politics, Bollywood, Hollywood. He knows everything. About and Romanian when, politics, maybe? Yeah, everything. No. When Google don't have anything, Google okay. types Sidhu. That's a good one. मैंने praise की आपकी. मैंने इतनी खूबसूरत तारीफ की English में. पाजी यार आप. मैंने अच्छी अच्छी बातें बताई आपके बारे में. मैंने ये तो बताया नहीं कि 1990 में 0 पे आउट हुए थे. मैंने I'm impressed. I don't need Google. I have seen. Oh! लग गए बात हो गई. बातें बातें चलो जितनी भी समझ में आ रही मजा बढ़ा रहा है. Actually, यूलिया आप में और मेरे में काफी सारी similarities हैं. आप रोमानिया से हैं. Yes. मैं romantic हूँ. I mean. अरे वाह. हमारा रोम रोम तो मिल ही रहा है. So, is there any chance of ants left? बाकी जो ants बच गया, रोम तो मिल गया. ओके आई मुझे नहीं लगता है. कुछ और बात करते हैं. सो हाउ यू आर सो रोमांटिक. इट्स जस्ट यू नो हु इज द रोमांस किंग इन बॉलीवुड. ऑफ कोर्स आई नो. यस एंड बी केयरफुल डोंट मेस अप विद माय फ्रेंड्स. शाहरुख इज योर फ्रेंड. फिर तो मेरे से रोमांस क्यों करेंगे. ये तो डीलर को जानती हैं सीधा ही. हम तो थोक परचून वाले हैं. डोर टू डोर सेल वाले. ओके आई विल नॉट आस्क यू एनीथिंग लाइक दिस आफ्टर दिस बेइज्जती. आई एम हैप्पी यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू मी. आई एम हैप्पी टू. एंड ही इज ऑल्सो हैप्पी.
We both... Actually, I'm very happy that he's next to me. Hello. Hello. Hi, myself, Dr. Mishra Gulati. You, आज भी मैं करने दूँगा। यार मैं जानबूझ के हर बार जाता हूँ कि तुम गिराते हो तो मेरा बेनिफिट हो जाता है। तो आज तुमने डेढ़ शाने हल्ला। You are a trendsetter. Look at you. I love your tomatoes. बहुत अच्छा। I'm Dr. Mishra Gulati, HNY. HNY क्या मतलब? पहला HNY Happy New Year, दूसरा HNY Himesh And Iulia. इतना नहीं पता अभी कोई आदमी विश कर रहा है। नहीं पता तो 8 दिन होगा नए साल चढ़े को अब आपके विश कर रहे हैं आप तो लगवा देते ना मेरा वीजा में रोमानिया जाके विश करके आ जाता Iulia I must say you have a power of 5 actually figure out why I'm upset yes because मैंने आपको लेटर लिखा था you wrote down a letter I had written a letter to you oh. you can see the letter this I had written to you oh. you have not replied to me ये आपने लिखा है हाँ जी तो उनके पास होना चाहिए ना आपके पास क्यों है तो फिर मैंने लिखा तो मेरे पास ही होगा ना तुम्हारे पास थोड़ी होगा पागल है मैं पागल वाली क्या बात है इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है महेश जी इस आदमी को हाँ जी 2017 के स्टुपिड पर्सन ये आप ये कह लीजिए स्टुपिड नवा साल हो गया इट डजंट नो द सेंस ऑफ द टाइमिंग ऑफ अच्छा कोई नहीं इतनी इंग्लिश ना बोलो कल भी बोलनी है क्या हुआ मैंने ये लेटर लिखा हाँ मैंने इसको पोस्ट बॉक्स में डाल दिया ओके अच्छा मेरे को नहीं पता था भी रोमानिया कहीं बाहर है मेरे को लगा गुजरात में है भुज के पास तो वापस ले आए मैंने मेरे पास लेटर ओ डॉक्टर साहब आप बड़े क्यूट हैं मैंने प्रॉमिस किया है अपने आप से हाँ जी मैंने आज से आपके साथ लड़ना नहीं है मैंने सीधे मुक्के मारने हैं आपको ओके दिस लेटर आई हैड रिटन टू यू वी सुंट माय मिटस निरसाव फाटानु पोआटे जानिशा युबे आशका आह ओके या मेक्स सेंस व्हाट इज दिस आई हैव नो आइडिया मैंने ना आई हैव नोटिस्ड वन थिंग बट इंटरनेट पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते ना आप डजंट मेक एनी सेंस कड़क है जी यू हैव मेनी लेटर्स देयर नो नो दिस इज माय एल्बम ओह योर एल्बम माय वेडिंग लकी यू दिस इज माय वेडिंग एल्बम सो व्हाई यू आर राइटिंग नाउ टू मी इफ यू आर मैरिड I'm throwing your tomato. No, this album is not seen by my wife at all. And nobody has seen his wife at all. He takes a dupatta, he looks himself in the mirror, and he feels he's his wife. Okay. So you looked into the mirror and said, will you marry me? वैसे डॉक्टर साहब शेरवानी आपने बहुत अच्छी पहनी है. Oh, thank you so much. कहाँ से बनवाई है आपने? बनवाई नहीं वो एक्चुअली मैं जी क्या था कि भी दिलेर मेहंदी साहब का शो था वो कर नहीं पा रहे थे मैं शो करने चला गया और वहाँ पे हालांकि मैं बैक करके गा रहा था फिर भी लोगों ने पहचान लिया कि मैं दिलेर मेहंदी नहीं हूँ दैट इज व्हाट इट हैपेंड आपने वहाँ गाना गाया नहीं मैं दिलेर मेहंदी बन के वहाँ तुम्हारी तरह इंटरव्यू ले रहा था लोगों का वेलकम टू कपिल शर्मा शो और मेरे कोई दोस्त हंसते रहो मुस्कुराते रहो लवा ये क्या मतलब हुआ यार गाना ही गाया ऑफ कोर्स गाना गाया ठीक है ना हमारे पास नई टैलेंट है साड़ियां पहन के पैसे कमाने का अब बोलो हैं सुबह डॉक्टर शाम को साड़ी अच्छा बताओ सही फिर हुआ क्या अच्छा हुआ ये कि मैं प्रोग्राम कर आई डोंट नो कैसे उन्होंने पहचान लिया कि मैं दिलेर मेहंदी नहीं एक्चुअली आपने मेहनत तो बड़ी की हाथों में मेहंदी भी लगाई आपने ना उधर दिलेर भी पूरे हैं बेइज्जती करवाने आते भी रहते हैं मैं भी हैरान हूँ आपको कैसे मतलब एंड यू वोंट ट्रस्ट कपिल शर्मा हिमेश जी वहाँ पे ना Iulia देयर वाज 10,000 पीपल इन फ्रंट ऑफ मी ओह एंड जैसे मैंने 2-3 लाइनें गाई लोग वापस जाने लगे ऐसा नहीं भी सारे लोग चले गए 6-7 लोग बैठे भी हुए थे वहाँ पे
तो मैंने उनके लिए गाना गाया एंड मुझे तो तब पता चला कि इनको पता चल गया मैं दिलेर मेहंदी नहीं हूँ जब उन्होंने मेरे पे टमाटर वगैरह मारे एंड अप्रिशिएट किया आपको. फिर वो भीड़ ने वो प्रोसेस शुरू कर दिया. सिद्धू साहब जो नॉर्मल भीड़ करती है बाल खींच के रगड़ना घिसना कपड़े पहनना वो उनका रेगुलर जो होता है. डॉक्टर साहब आराम से बैठिए पीछे गद्दी है ना. हाँ जी आराम से बैठ जाइए. अच्छा सॉरी मैं पीछे ऐसे आराम से बैठिए आप. ऐसे कौन क्वेश्चनिंग करता है भाई. ऐसा मैं करता भाई. डॉक्टर साहब संगीत का आपको कुछ पता है. आप इधर आके हिमेश से बात कर रहे हैं यूलिया से बात कर रहे हैं वो कितने टैलेंटेड लोग हैं. क्या पता आपको संगीत का. आई हैव रियलाइज्ड हिमेश जी यूलिया म्यूजिक में बहुत हीलिंग होती है पावर होती है. तेरे फूफा जी यहाँ पे बीमार बैठे हुए जो वही कर रहे हैं. उन्होंने भी पैसे लिए वो अपना काम नहीं करेंगे. तो टाइम आए तो काम करें ना. दूसरे के चुटकुलों में क्यों घुस रहे हैं. Music has great healing power. Healing power की बात कर रहे हैं. मैंने ना एक patient आया wheeling chair के ऊपर. मैंने wheeling chair क्या होती है? अनपढ़ आदमी को सोनी साहब ने show दे दिया है. wheel chair होती है. wheeling chair कौन होती है? तो मैंने चीज extra ही लगाई है. हम तो नहीं किया. तो फिर क्या हुआ? वो मेरे पास आए ऐसे. wheeling chair पे नहीं wheeling chair person पे आए होंगे फिर. इसमें भी पर्सन लगा दे. I want to talk to you. Come to me. What? मेरे को तो काम नहीं है ये. सोनी साहब, हॉस्पिटल तड़वा के यहाँ पे मंदिर बनाया जाए. और मेरे हाथ में घंटी दी जाए, जिसको मैं खड़का सकूं. Let me talk to the gentle people. Ah, please. They are the beautiful people. All the way come from Romania and अपना कहाँ घर जी? अपना मुंबई. थोड़ा उधर मेरे को बैठने दो. राम से बैठ. यार. हम प्यार से रहेंगे डॉक्टर साहब आज से. एक ही कुर्सी पे दोनों ठीक है. अब मैं आपको उठ के आप अपनी कुर्सी देता हूँ कि नहीं देता हूँ. आप भी थोड़े से. So let's talk. So. You can come here if you want. No. No. Oh, no. Come sit. Yeah. आपकी मैंने बाल्टी छुपा के आनी. आप हमेशा ये लेके आते हो. हमारा टाइम वेस्ट करते हो आप. बदतमीज. हमारे मेहमानों को परेशान करते हैं आगे. Anyone home? अंदर है कि चले गए? कौन? मैंने किसी भी ब्यूटीफुल लड़की को इतने पास से कभी नहीं देखा. उधर हिमेश जी बैठे हैं उनसे भी मिल लो. उनके तो गाने सुन लेंगे ना कोई नहीं. कैन वी प्ले दैट आंख मत झपको वगैरह. ये क्या हो रहा है? यूलिया आई हैव ए प्रॉब्लम. I offered you juice. Yes. He has nothing. He is a beggar come doctor. And he has a bucket. I mean, I have a shower. Then you should take more often shower. हाँ जी. तेरे और नहाया कर. उन्होंने कहा रोज नहाया कर. He is a very much married. रूमर क्यों फैला रहे हो? तो बेटी कहाँ से आई आपकी? डाकखाने से ली आपने? कजन बेटी है. हाँ. नाम लॉस्ट. व्हाट हैपेंड? कजन डॉटर. डॉटर. ओके. आई एम डॉक्टर शी इज डॉटर. गो देयर. गो. गेट आउट. कहाँ ना यूलिया ने. चलो चलो यूलिया चलो. बहुत ज्यादा फ्रैंक हो रहे थे आप. टमाटर बालों में फंसा गए. मैं कौन ही मारूंगा पित्ते पे. चोट लगेगी मुंह पे. फालतू में. आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग.
the healing power of music. You just see. Okay. I'm not a doctor, I'm an institution. मैं अभी एक राग गाऊंगा और बरसात होगी पक्का राग टपक टपक वाह मामा Bariso! Talanta! Doctor Sal! ये क्या बरस गया? पारी तानसेन जी ने गाया था राग दीपक ये जले थे आपने कौन सा राग गाया कूड़ा गिर रहा है आपके ऊपर वो बरसात का राग था ना तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी बाद में ये पहुंच नहीं पाया म्यूजिक में इतनी पावर होती है ये देख रहे आप पेड़ पौधे ये मैंने राग गा गा के बड़े किए डॉक्टर साहब अभी आपने पहला राग छेड़ा तो कूड़ा आया वो नेटवर्क इश्यूज हो गए अब आप दूसरा राग गाएंगे ऊपर वाले ने गटर खोल दिया तो फिर उसमें स्विमिंग करेंगे हम दोनों आओ आजा तो ओके अभी मैं संगीत की पावर आपसे डिस्कस कर लूंगा आई वांट टू प्रेजेंट अ राग वेयर दीपक जलेगा ओह यू आर वेरी कीन आप राग गाने लगे जमीन चाटने लगे आप चाट दो ऐसे भी झाड़ू नहीं लगाया अच्छा इनोवेशन तो इस आदमी को बर्दाश्त ही नहीं है ना Jala ja 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 de pa ka ga sha na ka da de Jala ja, jala ja, jala ja. चली गई. अरे मेरे को डर लगता है यार मेरे से. Hello please, sorry गलती होगी मेरे से. मैंने गलत लगा दिया. I'm sorry. और generator चलाओ. Hello, hello. Light. किसने light चलाया? Yeah, Sidhu साहब. डिस्टर्ब मत कराया करो अच्छा बता के स्विच ऑन किया करो आदमी जरूरी काम कर रहा होता है आप आपने क्या किया ये दिया आपका जला नहीं अंधेरा हो गया बेवकूफ इंसान मुझे तो लगता है 8 नवंबर के उन्होंने कोई राग गाया कोई जुगलबंदी की तभी नोटबंदी हुई है पर मेरे को कोई ऐसा राग गाना जिसे तुम्हारी जुबान बंदी हो 10 मिनट तुमने तो बोल ही जाना डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां अच्छा जी हैप्पी आउटस्टैंडिंग हैप्पी जी लवली मीटिंग यू ओह जेम I know you're so talented. Yeah. I'm so much talented. My yes. budget is low. oh, sorry. But you have the whole audience with you. So you're rich, ye in right? sab ka pyar hai actually. Thank you. ये क्या है? सीताफल मिल्कशेक मैडम गले उनको लग रही हैं. अब मैं क्यों जूस पिलाऊंगा? चलो जूस कोई नहीं पिलाएंगे इनको. सीताफल मिल्कशेक और ये क्या है? पाइनएप्पल जूस. See our budget. And you said it's a low budget. How could you afford that? Actually, half juice, half water. it's healthier, actually. I'm offering you my Valentine juice. How lovely. Thank you. Cheers for that. साथ साथ में जूस पियेंगे बातें करेंगे हिमेश सर दिस इज फॉर यू थैंक यू ये
गाने के लिए तेरी याद साथ है. मैं इतना प्यार करता हूँ उस गाने में, मैं आपको एक कोल्ड ड्रिंक भी पिला सकता हूँ. स्टॉप फॉर यू, नो, टेक यू टू रोमानिया. माइक, सॉरी, तो मैं रख दूँ इसको कहाँ? इसको कहाँ लगाऊँ माइक? मैं कहाँ लगाऊँ ये माइक? कहाँ का? आई डोंट नो कहाँ लगा था. यू डोंट नो एनीथिंग, बी देयर. ओके, सॉरी. एक्चुअली वी हैव अ मैन स्पेशली फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क्स. आई डोंट नो. अ मैन शुड नो टू डू एवरीथिंग. यू ओनली टोल्ड मी टू. हेल्प करने को आया. चलो. नो फाइट. जस्ट लव, नो फाइट. कौन है मैडम के साथ? There. अच्छा, नहीं नहीं, मैं तो फिक्स, यू वांट टू फिक्स टू योर माइक में? बट यू फिक्स्ड इट ना? वेयर यू स्टाइलिस्ट? नो, समवन फिक्स्ड इट. या या. नहीं नहीं, किसी को भेजो ना फिक्स करने के लिए. ओके. वो गया वैसे. सॉरी. आप किधर? किधर आप? नहीं, मेरा निकला तो कभी आए नहीं आप. यू प्लीज. थैंक यू. ओके, यूलिया, हिमेश सर, यहाँ पे बैठे हमारे दर्शक आपसे बातें करना चाहते हैं, तो आप एक एक करके अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं. जो भी यूलिया जी, मैम, लेडीज, जी जी प्लीज. नमस्कार. आई वॉन्ट टू लाइक टू से समथिंग टू यूलिया मैम. हाँ जी. जब से वो आए ना, मैं उनको ही देख रही हूँ कब से. मैं भी. सिद्धू जी भी. पर जी. मैं मेरे बेटे के लिए मैं सोच रही थी. Now I have a question for you. Yeah, please, ma'am. Are you Kapil's mother? No. Superb, Yulia. Wow. I'm impressed. Yulia, mind blowing, Jimmy. I'm impressed. बहुत ज़्यादा. आप बोल दो हाँ. अगर आपके एक बार कहने से. और मेरा बेटा है. मेरी भी माँ है. बहुत अच्छी है, पर आप भी बहुत अच्छी. जी. तो please, ma'am. My heart belongs to someone else. क्या मैं जान सकती हूँ नाम उनका? It's right there, hidden in my heart. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. ओहो, आज तो सिद्धू जी भी आए. सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? हाय हाय यूलिया. हेलो हिमेश जी, आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको पीछे ढूंढ रही थी. यस हिमेश भाई, ये हमारी सोसाइटी में स्कूल है टीचर. अच्छा. विद्यावती. उन्होंने पिछले 5 साल में बहुत मेहनत करके ये अपना जूड़ा बनाया. क्या बात है. कपिल शर्मा, ये आपके लिए, इसे पढ़िए और दफा हो जाइए. है क्या ये? ये क्या है? अनुशासनहीनता के मामले में आपको 6 साल के लिए पार्टी से निकाला जाता है. आपकी कौन सी पार्टी है? मेरी किटी पार्टी है भाई. किटी पार्टी का ग्रुप है हमारा, उसमें 9 महिलाएं और 3 भिखारी. एक्चुअली दे आर अल्फा 9 सर्स, यू नो, एंड आई एम द ओनर ऑफ इट. या. अब बाय द वे, ये आपके लिए था. नहीं, पहले मिठाई. ऐसे कैसे? ये अपना गुलाब जामुन, इसको भिगो के खाओ ना. ये इतना बड़ा जो पेड़ा रखा हुआ है आपने, मिठाई खाऊंगी. ये खा लो तुम. ये है क्या ये? अरे ऑफ, पढ़ो. ऑफ अ लेटर है. दरअसल आपको सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई है. मैंने पक्की करवा दी आपकी नौकरी. मेरी? जी हाँ. तालियां हो जाए. पढ़ो. हिमेश रेशमिया को शांतिवन नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी विद्यालय में कक्षा 1 से लेके 2 तक के बच्चों को संगीत अध्यापक नियुक्त किया जाता है. क्या बात है! देखिए, मेरे पापा हमेशा कहते थे कि इंसान मेहनत करे तो एक दिन कहां से कहां पहुंच जाता है. वाह, ये तो अच्छी बात है. तो आपके पिताजी क्या करते थे? बेकार थे, माँ को तंग करते थे.
अभी तो आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते थे. हाँ तो कहने में क्या जाता है, सिद्धू जी भी कहते हैं ठोको ताली ठोको ताली. ठीक है. नहीं लेकिन एक बात बताइए सर, आप ताली ठोकते हैं? नहीं, ताली बजाते हैं. बस सो बी अवेयर इन दिस नेशन यार. अच्छा ये आपने अपने जूड़े में जो एंटीना लगाया, नहीं लगाती तो मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता? जस्ट शट अप, दिस इज पेन ड्राइव, यू कैन सी दैट सर, पेन ड्राइव. वेरी वेरी गुड, ड्राइव इट. सर देखिए सरकारी बहुत महंगी हो गई है, ये तो फिर भी सरकारी नौकरी है, ले लीजिए, बहुत फायदा है आपको. मैं बता रही हूँ. कितना दे? 8,000. 8,000 तनख्वाह महीने के आखिरी में. सर मुझे आपके घर में रोटी चाहिए. ये तो मेरा डायलॉग था. हाँ तो आपसे आपके डायलॉग बोलूंगी, कपिल शर्मा डायलॉग थोड़ी बोलूंगी, कपिल शर्मा शो. सो आप मंजूर है? देखिए सर बहुत फायदे हैं इसके, महीने के आखिरी में 8,000 रुपए आपके हाथ में आ जाएंगे. सर मुझे रोटी चाहिए आपके घर. कपिल सर क्या करूं, 8,000 रुपए मतलब तुम पागल हैं, आपको वो करोड़ों रुपए कमाते हैं. सर मुझे आपके घर रोटी चाहिए, लेकिन मेरे लिए सर. मुझे मेरे लिए रोटी चाहिए सर, आपने मेरा गला खोल दिया आज, करोड़ों मतलब. पर आप तो अभी बोल रही थी ना टीचर है, आपकी 8,000 तनख्वाह होगी. अरे 8,000 में क्या होता है, 5,000 तो जूड़े के खर्चे में निकल जाते हैं. ऊपर से मेंटेनेंस बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन करोड़ों सर. सर मुझे काम दे दीजिए प्लीज. हिमेश भाई अगर आपको ये ज्यादा तंग करे तो हम लेडीज पुलिस बुला सकते हैं. कपिल शर्मा आप कुछ सीखने सिखाने की बात कर रहे थे, क्योंकि मेरा नाम विद्यापति है, आई एम टीचर. सो मुझे स्कूल में जाके सिखाने की जरूरत नहीं है, वी हैव इंटरनेशनल स्टूडेंट हियर, आई कैन टीच यू. आई कैन टीच यू गिद्दा, यू नो गिद्दा, यू कैन टीच मी प्लीज. ओह वाओ, बट फॉर गिद्दा आई नीड क्राउड, सो आई वुड लाइक टू इनवाइट बम्पर. आई 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 आई. बम्पर वो है पीछे, ये हथौड़ा भी लग गया. ये क्या? मैं क्या है, मेरी दोनों पेशेंट है ना, इन दोनों के सर पे एनेस्थीसिया देने वाली थी. डॉक्टर साहब ने कहा है कि इनको खोल के रखे, वो आके ऑपरेशन करेंगे. तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी, अचानक मुझे क्यों बुला लिया विद्यावती? ओ दरअसल इनको गिद्दा सिखाना था. मीट 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 देम हिमेश. ओ हाय हाय हिमेश जी, आई एम बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर. अरे माइंड ब्लोइंग. यूलिया यूलिया हाय. And you, I don't care. Just ignore this man. So we will teach her Gidda and just tell her something about Boli. मैंने बताया था तुम्हें. I will teach you. We don't need this anymore. आप इसको लेके गिटार बजा लीजिए. So Gidda, जिसमें जो बोलियाँ होती हैं, it's about like two ladies. They are fighting for same husband. Come, come. We'll teach you. Come here. Come here. Who's the husband? We don't have. He's a husband. He's imaginary. Julia, please don't be frank with her. She's he. Okay, don't worry. Give me that. He's giving you all wrong information. Don't believe him. Yeah. Yes. So we'll wear this dupatta. Yeah. Oh, it's a folk dance of Punjab. You have to wear dupatta and. Lal dupatta, I like. Take it. So we will start. Pen pen, देगी मुझे चकला ते बेलन ते इत्ता सपेड़ा. क्यों तेरे है नहीं चकला ते बेलन ते इत्ता सपेड़ा? मेरे पास होता अगर चकला ते बेलन ते इत्ता सपेड़ा, तो तुझसे लेके चकला ते बेलन ते इत्ता सपेड़ा मुझे फूंकना था. सौतन. सौतने. सौतन. सौतने. You also have to say that you are very angry. Just be angry for no reason. सौतन. सौतने. सौतने. सौतन. सौतने. चुपड़े चकाने लेके डूमर. 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 सौतन सौतन दा मुकाबला अम्मो सामने, तेरा दिल मेरा आगला अम्मो सामने. सौतन सौतन दा मुकाबला अम्मो सामने, तेरा दिल मेरा आगला अम्मो सामने.
And Himesh sir. Sir. And Bumper, I love you. Come, Sugandha. We will take a selfie. Yes. We will give a selfie. Come on. Selfie now. आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए. मेरे को तो दिख नहीं रहा, आपको दिखता रहे, देखते रहिए द कपिल शर्मा शो. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.